हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कि ये क्या होता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में एक समुद्र का एक इलाका है, एक समुद्र का रीजन है जिसको बरमूडा ट्रायंगल कहा गया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अपने आप ही क्राफ्ट डूब जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इवन जो शिप होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, वो भी डूब जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनके कोई ट्रेसेस नहीं मिलते, वो कहाँ गए हैं, उनका मलबा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। तो ये काफ़ी चौंका देने वाली बात है कि आखिरकार ये चीज़ें कहाँ जाती हैं। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी बोला जाता है, मतलब ऐसा दैत्य तिकोण आप कह सकते हैं हिंदी में। तो ये काफ़ी मिस्ट्री, इसका जो रिलेशनशिप है लोगों ने एलियंस के साथ भी जोड़ा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा। और ध्यान दें कि ये समुद्र का रीजन बहुत ही चलता हुआ मार्ग है, मतलब यहाँ से समुद्र के जो जहाज़ हैं और जो प्राइवेट प्लेन्स हैं वो आते जाते रहते हैं। ऐसे में उनका गायब हो जाना बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक पोर्टल है जो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया को जोड़ता है। ये वह दुनिया है जहाँ पर शायद भूतों और प्रेतों का निवास है। ऐसा साइंस नहीं मानती कि वहाँ पर ऐसा कुछ है, लेकिन जो लोग वहाँ से बचकर आए हैं, जिन लोगों ने देखा है, उन लोगों का यही मानना है कि वहाँ पर कुछ एक एनर्जी है। आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको। पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो होती है जहाँ पर भूत, पिशाच, ऐसी चीज़ों का लेना देना होता है। तो वहाँ पर ऐसा मानना है कि ऐसा पोर्टल है जो हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है। देखने वाली बात ये भी है कि वहाँ पर UFO साइटिंग्स भी बहुत होती हैं, मतलब वहाँ पर दूसरे ग्रह के जो लोग हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे UFO, जिसे एलियंस के साथ जोड़ा जाता है, उनके स्पेस क्राफ्ट वहाँ पर अक्सर देखे जाते हैं। लोगों ने देखे हैं और कई बार अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी किए हैं। बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुँचते ही जो कंपस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। आपको पता होगा कंपस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैग्नेट से चलता है। कंपस के अंदर एक मैग्नेट लगी होती है जो घूमकर दिशा बताती है। अगर किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए, किसी भी मैग्नेट को फ्रीली लटकाया जाए, तो वो नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ इशारा करती है। अब बरमूडा ट्रायंगल में ऐसे कोई मैग्नेटिक वेव्स हैं, मैग्नेटिक तरंगें आप कह सकते हैं, जो कि कंपस के काम करने को रोकती है, उसके काम को उल्टा कर देती है। तो वहाँ पर जो कंपस हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इससे साफ होता है कि वहाँ पर कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कंपस को काम करने नहीं दे रही। ध्यान दें कि आपकी घड़ी, जो सुई काटे वाली घड़ी होती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही चलती है। वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ होता है और टेम्प्ररी मैग्नेट, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है। ऐसे में अगर आप अपने घड़ी के आगे कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दें तो आपकी घड़ी काम करना बंद कर देगी। सेम यही चीज़ बरमूडा ट्रायंगल में भी होती है। वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी ज़्यादा हैं कि छोटा मोटे कंपास जो मैग्नेट से चलते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। कोई नहीं जानता कि बरमूडा ट्रायंगल कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये मैग्नेटिक वेव्स कहाँ से आ रही हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के उल्लेख रामायण में मिलते हैं। मुझे पता है आपको ये सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में और आसपास के देशों में टेक्नोलॉजी पहले इतनी ज़्यादा आगे हुआ करती थी कि जो चीज़ें अभी हमें सपना लगती हैं वो पहले बड़ी आसानी से हुआ करती थी। जैसे कि विमान उड़ा करते थे, विस्फोट हुआ करते थे। और मैं आपको बता दूं, जब रामायण हुई थी, रामायण चल रही थी, जब सही में घटित हो रही थी, तो राइट ब्रदर्स पैदा भी नहीं हुए थे। हमारे यहाँ तब भी विमान उड़ा करते थे, लोग मंत्र दिया करते थे, श्राप दिया करते थे, कोई जड़ी बूटी दिया करते थे, हाथों से पानी फेंक कर श्राप दिया करते थे। वो पानी और कुछ नहीं, कुछ एक ऐसा केमिकल हो सकता है, कोई ऐसा द्रव्य हो सकता है जिससे किसी के ऊपर बुरा नुकसान हो, जिसे श्राप कहा जाता था। तो चीज़ें हमारे माइथोलॉजी में, हमारे हिस्ट्री में कुछ अलग हुआ करती थी, लेकिन वो सब कुछ साइंस से जुड़ा हुआ होता था, ऐसा मेरा मानना है। अब बरमूडा ट्रायंगल की क्या हिस्ट्री है, लोग क्या मानते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रामायण में आपको पता है सीता माँ का हरण हुआ था, रावण उसे लंका में ले गया था। उससे उसके बाद हनुमान जी गए थे उनकी खबर लेने। रास्ते में उन्हें एक दानव मिला, एक दैत्य मिला आप कह सकते हैं, उसका नाम था छायाग्रही। ठीक है, तो छायाग्रही के पास ऐसी शक्तियाँ थीं कि वो किसी भी चीज़ को अपने पास खींच लेती थी। ध्यान दें, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेती थी। इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, मैग्नेटिक वेव्स थी आप कह सकते हैं, चुंबकीय तरणें थी, वो किसी को भी अपने पास खींच के डुबा दिया करती थी।
हनुमान जी जब वहाँ उड़ रहे थे उस हिंद महासागर के उस भाग पर, तो उन्हें उनकी शक्तियाँ कम लगी और उन्हें लगा कि उन्हें नीचे कोई खींच रहा है। ऐसे में उन्होंने उस छायाग्रही दानव का संहार कर दिया। फिर ऐसा कहा जाता है कि उसकी एक बेटी भी उसी समुद्र में रहा करती थी और वो डर के उस समुद्र को छोड़कर किसी दूसरे समुद्र में चली गई। अब जहाँ पर वो रहती है उस जगह का नाम बरमूडा ट्रायंगल है, ऐसा माना जाता है। इसके ऊपर एक और कथा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये लोक कथाएँ हैं जो लोग मानते हैं हमारे पुराने भागों में, देश के पुराने भागों में जो पहले पीढ़ियों दर पीढ़ियों लोग सुनते आए हैं, ये वो चीज़ें हैं। इसके पीछे एक और कहानी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये भी रावण से जुड़ी हुई है। आपको पता है रावण को बहुत सारे वरदान मिले हुए थे शिव भगवान से। उनको ऐसा वरदान था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। उनके पास एक ऐसी मणि थी जो उनकी नाभि में रहती थी और उसमें से कुछ ऐसा रस निकलता था जो उन्हें शक्ति देता था, उनको शक्ति प्रदान करता था जिससे उन्हें कोई मार नहीं सकता। जब राम भगवान और रावण की लड़ाई हुई थी तो भी उस मणि ने, आप कह सकते हो, काफ़ी मदद की थी रावण की। ऐसे में जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो उसको पता था कि रावण ने वो जो मणि वो कहाँ छुपा के रखी हुई है, तो वहीं पर गई। वहाँ पर शिव जी ने अपना रूप चेंज किया, रूप बदला अपना, और वो एक साधु का रूप बनाकर गए और उन्होंने वो मणि उनसे दक्षिणा में मांग ली, भिक्षा में आप कह सकते हैं मांग ली। मंदोदरी ने वो मणि उस साधु को दे दी और ऐसे ही रावण का अंत हुआ। अब वो जो मणि थी वो इतनी पावरफुल थी, इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वो किसी आम इंसान के हाथ में लग जाती, इवन उसको किसी के हाथ में भी नहीं देते, वो वहीं रहती, तो वो पूरी मानव जाति का विनाश कर सकती थी। ऐसे में हनुमान जी ने वो मणि ले जाकर दूर कहीं समुद्र में फेंक दी और जिस जगह फेंकी वो बरमूडा ट्रायंगल है। उस पत्थर में इतनी एनर्जी है कि वो किसी बड़ी से बड़ी चीज़ को भी अपनी तरफ खींच कर डुबा सकता है और गायब कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये एलियन से जुड़ी हुई चीज़ है या भूतों और प्रेतों से जुड़ी हुई है, या इसके पीछे हमारी माइथोलॉजी और रामायण का कोई लेना देना है? ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ का नाम मैंने मिस्टीरियस नाइट्स रखा है, जहां पर मैं ऐसी बातें करूंगा जिससे आपको कुछ नॉलेज गेन करें आप, और साथ ही साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो सके। व्लॉग्स बनाने का चलन कोई नया नहीं है। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, मार्केट में घूमते हैं और आपको बेकार की चीज़ें दिखाते हैं जिससे आपको कुछ भी जानने को नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता आपका वक्त ख़राब हो और कुछ ऐसा जानने को मिले, सड़कें देखने को मिले, पेड़ देखने को मिले, जिससे आपका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मैंने आपका मनोरंजन और ज्ञान बढ़ाने की एक नई तरकीब निकाली है और इसी को मैंने मिस्टीरियस नाइट्स का नाम दिया है। हर रात को या जब भी मेरे को वक्त मिलेगा मैं रात में ऐसी वीडियोस बना के डालूंगा। आपकी क्या राय है, आपको ऐसी वीडियोस कैसी लगती हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।